हेलो, मैं हूँ अंकिता। वेलकम और वेलकम बैक टू हंग्री बर्ड बुलबुल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक क्विक सा हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, जिसे आप बिना ज्यादा एफर्ट डाले 10 मिनट में तैयार कर सकते हो। ये है ओट्स की चीले। मतलब अगर आप मेरी तरह हो, जिसे कुछ हेल्दी भी खाना है और ओट्स का फ्लैट टेस्ट पसंद भी नहीं आता, तो दिस कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। ये आधा कप प्लेन ओट्स है, इसमें कोई मसाला या फ्लेवर नहीं है। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर हम मिक्स करेंगे और इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। हमें इतना पानी डालना है कि ये अच्छे से ऊपर तक भींग जाए। फिर इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हमने ये एक प्याज लिया है, एक टमाटर लिया है, दो हरी मिर्चे और धनिया पत्ता। इन सबको हम फाइनली चॉप कर लेंगे और 15 मिनट बाद ओट्स ऐसे पानी को सोक करके हो गया होगा, इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इतनी देर में ओट्स जो है वो सॉफ्ट हो चुका होगा, तो मिक्स करने पर वो एक पेस्ट जैसा हो जाएगा। अब इसमें हम ये एक तिहाई कप बेसन डाल रहे हैं और उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। और इसमें जो सब्जियां हमने चॉप करके रखी हैं उनको मिला देंगे। ये रेसिपी आपको तब भी काम आ सकता है जब आप अपना वेट लॉस कर रहे हो और कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जो आपको फुलफिल भी रखे, बिना आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी दिए, तो उस टाइम पे आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। अब इसमें सारी चॉप की हुई सब्जियों को मिक्स कर देंगे। ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे। ये 2/3 चम्मच नमक है, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/3 चम्मच हल्दी और 1/3 चम्मच लाल मिर्च, और इन सबको इसमें मिक्स कर देंगे। मसालों को आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो लाल मिर्ची स्किप कर सकते हो। साथ में हमने ये 1 चम्मच नींबू का रस भी डाला है, इससे ये बहुत अच्छा टेस्ट करेगा। और अब ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी और मिक्स किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप पास से देखो कि इसकी कंसिस्टेंसी हमें कैसी रखनी है। देखा, ये ना बहुत रनी है ना ही बहुत थिक है। अब हम एक नॉनस्टिक तवा को गरम करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अगर आप इसे और हेल्दियर साइड में ले जाना चाहते हो तो ऑयल लगाने के बाद इसे एक टिश्यू पेपर से वाइप कर दो, जिससे बस ये ग्रीस हो जाए। फिर इसके ऊपर 2 टेबलस्पून के लगभग बैटर डालेंगे और उसे आराम से स्प्रेड कर लेंगे लो फ्लेम पर। एक बार स्प्रेड करने के बाद हम टेम्परेचर को मीडियम कर देंगे और ये एक तरफ से जब थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे और हल्का सा ऑयल और लगा रहे हैं। आप अगर वाइप करके बना रहे हो टिश्यू से तो ऑयल ना डालो, ये तब भी आराम से बन जाएगा बिना चिपके। और दोनों तरफ से 2-3 मिनट तक सेक लेंगे। इस पर जब ऐसे ब्राउन स्पॉट्स आ जाएं मीडियम फ्लेम पर तो इसे निकाल लेंगे और फिर वैसे ही ऑयल लगाएंगे और वापस से 2 टेबलस्पून बैटर फैला लेंगे। दोनों तरफ से ब्राउन स्पॉट्स आने तक सेक लेंगे और फिर निकाल लेंगे। और इसी तरीके से सारे चीले बना लेंगे। है ना, ये बहुत ही क्विक और ये कितना सॉफ्ट है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना रिएक्शन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ उसे भी बताएं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।